हेलो गाइस, तो वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। तो कैसे हो आप सभी लोग, कमेंट्स में बता देना। आज हम लोग सबसे पहले तो ये जो हनी है, जो हनी बीज ने इतनी दिन रात मेहनत करके मतलब इकट्ठा की है, तो ये हमें एक्सट्रैक्ट करेंगे। कुछ आयरन मेरे पास पड़ा है, तो यह देखो गाइस, क्रिपर कल फूटा था। मैं कल रात भर में जॉम्बीज स्केलेटन्स को मार रहा था, तो एक अच्छी खबर है, एक एंडरमैन मेरे सामने आया था और उसे मैंने बहुत बुरी तरीके से मारा। वैसे तो मैंने बोट में बैठा कर उसे मारा, तो कोई नहीं, तो उसने एक मुझे एंडर पर्ल दिया और वो मतलब ग्रास ब्लॉक लेके चलता है तो एक ग्रास ब्लॉक भी दे दिया। और ये जो दो आयरन दिख रहे ना, तो वो मुझे जॉम्बीज से मिले, जो कि सीरियसली बहुत रेयर होता है। तो पहले तो मैं कुछ शीयर्स बन लेता हूँ। अरे आयरन तो मैंने ले यार, आयरन तो मैंने लिए नहीं, तो पहले चेस्टों में से आयरन निकाल लेता हूँ। ये दो आयरन मैंने निकाल लिए है, तो क्राफ्टिंग टेबल, ये खूफिया क्राफ्टिंग टेबल है, किसी को मत बताना गाइस। तो क्राफ्टिंग टेबल में ऐसे डायगोनली सकते होता है ना, हाँ। तो शीयर्स मेरे तैयार हो चुके हैं, तो शीयर्स से मैं वो हनीकॉम काटूंगा, तो कुछ तो मिलेगा शायद से मुझे। पर हनी के लिए तो बॉटल सकते ना, तो पहले तो मैं कुछ खा लेता हूँ। अरे कुछ भी नहीं है यार मेरे पास, ये कच्चा कुच्चा खाना पड़ रहा है। पर ये शेयर करके हनी तो मैं पी लूँगा, तो शेयर करके। अरे क्या हुआ इसे, ये गुस्सा। अरे मैं उसकी चोरी नहीं कर रहा हूँ हनी भी, सॉरी मैं अकल से नहीं ऐसा करूँगा यार। ये तो पीछे पड़ गई है, मेरे भी अभी तक पीछे है। जल्दी भागना प्लेयर, तुझे क्या स्प्रिंट लगाओ क्या जल्दी। हाँ ठीक है अभी। अरे अभी भी आ गई यार, ये तो पीछा ही नहीं मेरी छोरी। ऐसा क्या मैंने गुनाह कर दिया। अरे भागो शायद। अरे अभी भी पीछे मेरे, कुछ खाना पड़ेगा। ये स्पीड भी मेरी कम हो गई, अब उनकी आवाज़ नहीं आ रही, शायद से वो शांत हो गई शायद से। अच्छा हुआ, जान में जान आ गई, वो शांत हो गए। वहाँ पे हनीकॉम्ब थोड़ा सा उसे जल्दी से ले लेता हूँ, क्या जंप करके आ जाएगा मेरे पास। जंप करके शायद से नहीं, मुझे कुछ तो बिल्ड करना पड़ेगा। बिल्ड करने के लिए मेरे पास कुछ है, हाँ ये कुछ सैंड तो कम है, तो कुछ प्लैंक्स पड़े मेरे पास, तो प्लैंक्स मैं ले लेता हूँ। एक दो तीन, शायद से इतने काफ़ी होंगे। ओ आ गया, शायद से आ गया। ओके कोई नहीं, आ गया मेरे पास ये तीन हनीकॉम्ब है शायद से। ये हनीकॉम्ब कैसे खाते हैं मुझे कुछ आइडिया नहीं इसका, आप मुझे कमेंट्स में बता देना है कैसे, मतलब कैसे इस्तेमाल करना है इसका। अगर मैंने कैंप फायर उस हनीकॉम्ब के नीचे लगाया तो शायद से भी खुश हो जाएंगे, ऐसे माइनक्राफ्ट के मैकेनिक्स हमें कहते हैं। यहाँ पे एक लगा लेता हूँ, तो इसका हो गया। और पीछे पे एक था हनीकॉम्ब शायद से, तो उसे भी मैं लगा लेता हूँ उसके नीचे, तो उसके नीचे ये लगा लेता हूँ। अब मैं टेस्ट करके देखता हूँ कि ये हनीकॉम्ब मतलब हनी गुस्सा। अरे ये गुस्सा क्यों हो गई, अरे मैंने तो उसके नीचे वो कैंप फायर तो मैंने लगा लिया है, अरे ये गुस्सा क्यों हो रहा है मेरे पे यार। गाइस मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, कमेंट्स में बता देना ये कि ऐसा क्यों हुआ। तो फिर मुझे इनसे छुटकारा पाना पड़ेगा, और मेरे पास कुछ खाने के लिए ऐसा खास है भी नहीं कुछ। मुझे तो गाइस यार रॉटन फ्लेश से गुजारा करना पड़ रहा है यार, इतनी गरीबी मुझ पर आ गई है। तो इस जंगल में पहले तो जाता हूँ, तो शायद से उनका गुस्सा भी कम हुआ होगा शायद से। तो मैं ये पहले तो शेयर कर लेता हूँ, एक कहाँ गया वो, मुझे मिला नहीं शायद से। तो हाँ उसके पीछे ये पहले ले लेता हूँ, और यहाँ से भागता हूँ जल्दी से इनके। एक हनी भी अगर गुस्सा हो गई तो उसके मतलब दोस्त साथी सब भी हम पे हमला कर देते, इनका मतलब सिस्टम ही अलग। मैंने थोड़ा रॉटन फ्लेश से अलग कुछ किया है, मतलब कुक चिकन खाने का मन हो रहा था, और ये कुक चिकन कितना स्वादिष्ट लग रहा है यार, क्या ही बताओ तुम्हें। अब मुझे पहले तो ज़मीन के पेंडिंग पैसे उस सरपंच जी को देने पड़ेंगे। तो अरे हटना बाजू को, फिर तुझे अगर मारा तो गोलम मेरे पे चढ़ जाएगा। तो इसे धीरे से निकाल लेता हूँ ऐसे कुछ ऐसे, हाँ। तो सरपंच जी का घर शायद से इधर की साइड कहीं तो मैंने देखा था, हाँ वो रहा है, वो जो बड़ा सा घर है ना, वो सरपंच जी का है। ओए ओए सरपंच, ओए खुद को बड़ा शाना समझता क्या। ओ हेलो हेलो सरपंच जी, कैसे हो आज, कैसे हो, कैसे हाल चाल, एकदम ओके। तो हाँ मुझे मतलब वो ज़मीन के कागज़, हाँ कागज दिए थे, हाँ। मैं पहले तो इस चेस्टों में बराबर 20 एम्ब्रॉयडर रख देता हूँ,
करेक्ट 20 रुकूंगा, एक से ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, करेक्ट 20। थोड़े बहुत चूना लगाना पड़ता है यार, तुम्हें क्या पता। तो 20 एमरल्ड मैंने रख लिए, तो आज से वो ज़मीन मेरी। तो उस ज़मीन पे आज हम लोग बनाएंगे हमारा एक अलीशान, मतलब अलीशान तो नहीं, एक वुडन मॉडर्न हाउस। तो पहले तो इस ज़मीन को अच्छे से क्लियर करना पड़ेगा और बाद में इस पे मैं बनाऊंगा एक अच्छा सा हाउस। तो सब कुछ क्लियर करके मैंने कोबलस्टोन पकने के लिए रख लिया है यहाँ पे। अभी तक तो हुआ नहीं पर आगे हो जाएगा। पहले तो मैं ये वुडन लॉग ले लेता हूँ और पहले इस मतलब घर का ढांचा बना लेता हूँ पहले तो। A few moments later. तो फाइनली गाइस लगभग एक या डेढ़ घंटे में मेरा घर मतलब हमारा घर पूरा हो चुका है। तो मैं पहले तो ये मतलब क्या होता है वो थर्ड पर्सन व्यू, अरे बारिश यार, अभी नहीं बारिश यार, बारिश शुरू हो गई। तो कोई नहीं गाइस, बारिश में भी हमारा घर एक नंबर दिख रहा है। तो ये पिक भी हमारे पास आ चुके हैं, उन्हें भी शायद से अच्छा लगा है हमारा घर। सबसे ज़्यादा टाइम तो अंदर के डेकोरेशन के लिए लगा। तो ये रहा हमारा प्यारा सा घर, और आते ही कुछ पेंटिंग्स और ये सब कुछ यहाँ पे कुछ तो मेरा प्लानिंग होगा, वो बाद में आपको बताऊँगा। ऊपर अभी के लिए मैंने स्टोरेज एरिया बना रखा है, तो यहाँ पे कुछ स्टोरेज मतलब डोर टाइप से सामान मैंने रखे हुए हैं। ये एंडरपोल्स जो कि मैं मतलब उस घर से मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर रखा है, उस घर से जो जहाँ हम रेंट कर रहते थे, मतलब उनका एक काम हमने किया था इसलिए हम दो दिन के लिए वहाँ रहते थे। तो यहाँ से हम बालकनी से पूरा व्यू एंजॉय कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।